Hey yo people, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good. My name is Rohit Avdute और आप सभी का स्वागत है मेरे थर्ड ब्लॉग में. Yes. So today we are gonna go to the Bollywood theme park in Film City. Then I will show you some props which has been used in famous Bollywood movies. Okay? Okay. So yeah, let's get going. सो हियर इज आर ऑफिस. कल हमारे ऑफिस का श्रृंगार हुआ है बट इट्स लुकिंग टू गुड मैन, इट्स लुकिंग टू गुड. आई रियली लाइक इट बिकॉज आप लोग देख सकते हो अर्ली 90s से लेकर 21st सेंचुरी के सारे सेलिब्रिटीज आपको नजर आएंगे इस फोटोज में. वाओ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम अफार. वाओ, ये है हमारे बॉलीवुड थीम पार्क का लोगो. वाओ, दिस इज़ आवर ऑफिस एज यू कैन सी. और ये रहा हमारे दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी का गेट नंबर 1. चलिए अंदर चलेंगे द बॉलीवुड थीम पार्क में. ये रहा द गोल्डन गेट ऑफ द बॉलीवुड थीम पार्क आपके सामने. चलिए अंदर चलते हैं. द बॉलीवुड थीम पार्क के बारे में और जानने के लिए मेरे पहले के वीडियोज देखिएगा. बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना. हे यो पीपल, सो हमारे इस बड़े से द बॉलीवुड थीम पार्क का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया गया. इसके आगे का लोकेशन जो कि वहां पर है, मैं आपको मेरे अगले व्लॉग में दिखाना चाहूंगा. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. या वो एज यू कैन सी गाइज, अ बीस्ट फ्रंट ऑफ यू, Lamborghini. Not only this beast, we have a lot of beauties out here. As you can see, Rolls Royce in yellow color. अरे भैया रुक जाओ, अरे भाई चाय वाले. As you can see, Mercedes AMG, Maserati right front of you guys, and Ferrari भी आने वाली है कुछ देर में कहा जा रहा है. But the question is, why are they all parked here? Well, यहाँ पर Tiger Shroff की upcoming movie का shoot होने वाला है जिसका नाम है गणपत. VFX का पूरा शूट होने वाला है इसलिए सारी लग्जरी कार्स भी मंगाई गई. अनफॉर्चुनेटली नाइट का शूट है और मैं नाइट को यहाँ नहीं रुक पाऊँगा यार. दोस्तों, जो लोकेशन आपको नज़र आ रहा है उसका नाम है जोश मैदान. शाहरुख खान सर की मूवी जोश में आप लोगों ने जो गोवा देखा था, जिस गोवा में शाहरुख सर रोमांटिक सीन्स, फाइटिंग सीन्स और बाइक राइडिंग के सीन्स करते हुए नज़र आए थे, पूरा का पूरा गोवा यहीं पर बनाया गया था, इसी मैदान पर. देख सकते हो अभी महल बनाया जा रहा है. संजय लीला बंसाली सर की फेवरेट लोकेशन, उनके हर मूवी का एक सेट यहाँ पर लग जाता है और वो मूवी हिट हो जाती है. जी हाँ, इसीलिए बहुत लकी मानते हैं इस जगह को संजय लीला बंसाली सर. मैदानों पर सेट्स बनाए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, बट सेट्स बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आते हैं. जितना भी ब्यूटीफुल हो, शूटिंग ख़त्म पूरा सेट डिसमेंटल कर दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगली शूटिंग्स के लिए यहाँ पर सेट्स बनाए जा सके. तो दोस्तों, रियल लोकेशंस पर मेकर्स जाते हैं, वहाँ पर जाकर रियल लोकेशन वाइड एंगल से शूट करते हैं, फिर फिल्म सिटी में आकर मेजर शॉट्स शूट करते हैं,
क्लोजअप वाले सारे के सारे सीन्स, फिर उसे मर्ज कर दिया जाता है वाइड एंगल वाले शूट्स के साथ और फिर हमें दिखाया जाता है, फिर हम लोग बिलीव कर लेते हैं सारे आर्टिस्ट रियल लोकेशंस पर ही मौजूद है, बट ऐसा नहीं होता। फिल्म बाजीराव मस्तानी में आप लोगों ने जो शनिवार वाड़ा देखा वो भी इसी खाली मैदान पर बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर किले और महल बना दिए जाते हैं लकड़ी, प्लाईवुड, थर्माकोल और स्टील के मजबूत रॉड्स को यूज़ करके। जी हाँ, फिल्म पद्मावत में आप लोगों ने जो चित्तौड़गढ़ का महल देखा था दीपिका पाडुकोन और शाहिद कपूर का, वो भी इसी खाली मैदान पर बनाया गया था दोस्तों। जी हाँ, लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैन। ये पूरा का पूरा सीन यहीं पर शूट किया गया। लकड़ी, प्लाईवुड, थर्माकोल यूज करके सेट्स को बनाया जाता है ताकि ईजिली डिसमेंटल कर पाए, इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है। 100-200 लोगों की मेहनत, उसके बाद एक पूरा का पूरा सेट क्रिएट हो पाता है दोस्तों। वाव, इट्स लुकिंग सो गुड, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग, द हिस्टोरिकल मूवमेंट राइट फ्रंट ऑफ यू गाइस। फिल्म रामलीला में आप लोगों ने जो गुजरात की गलियां देखी, जिन गलियों में रणवीर सिंह मस्ती करते हुए नजर आए थे, जी हाँ, पूरी की पूरी गलियां और वो सारे मोहल्ले यहीं पर बनाए गए थे दोस्तों, इसी खाली मैदान पर आप लोग देख सकते हो। अभी हाल ही में रिलीज हुई थी संजय लीला भंसाली सर की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी के ये सारे मोहल्ले, ये सारा का सारा कामाठी पूरा इसी मैदान पर बनाया गया था दोस्तों। एज यू कैन सी, यहाँ पर अनगिनत सेट्स बनाए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, बट यही सेट्स इन मूवीज के द्वारा हमारे दिलों के मैदानों पर सख्त खड़े हैं। आप भी जाइए, मैं क्लिक करता हूँ, जाइए जल्दी जल्दी। मैम आप भी जाओ, परफेक्ट, ये लीजिए, आपका फोन लीजिए। चलिए बस ज्वाइन करेंगे, आइए प्लीज। Hey yo people, so that's it for today. I hope you all enjoyed my video. आज हमारी मुलाकात हुई चंपक चाचा से। ऐसे ही हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग एक्टर्स के साथ मिलते रहते हैं। Today you only saw चंपक चाचा, in future you are going to see a lot of actors in my blog, so stay tuned for that. Thank you so very much guys, thank you so much for being there. मिलते हैं मेरे next video में। Till then, stay healthy, stay safe. Peace out. Pew.